इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये आप देखिए वो स्पेशल विमान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए स्पेशल विमान आप वो देख सकते हैं जिसके जरिए जो है इन 8 चीतों को लाया जा रहा है। स्पेशल जेट सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हर एक भारतीय कर रहा था। 70 सालों से इन चीतों का इंतजार किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये चीते जो है भारत लाए जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जैसा हमने जिक्र भी किया था। हमने आपको भरोसा दिलाया था कि हम सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। ध्यान से इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे कि आप जब से सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं नामीबिया से। कई घंटों का सफर ये तय करते हुए 8 चीते जिसमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते हैं जिन्हें आज भारत लाया गया है। ग्वालियर की सरजमी पर उतारा जाएगा, इस बेस पर उतारा जाएगा और यहां के बाद ये सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जो एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर है उसके जरिए इन्हें जो है सीधे कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 6 बजे का समय निर्धारित था लेकिन वहां से ही डिले हुआ और इसके बाद में मौसम की खराबी के चलते थोड़ा सा और डिले देखा। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, सबसे नजदीक सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए अब आप समझ भी पाएंगे कि वही स्पेशल जेट है जिस पर देखिए चीते का आकार दिया गया, चीते का रंग भरे गए हैं और इसी में वो 8 चीते हैं हिंदुस्तान जिनका इंतजार कर रहा है, जिनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कूनो नेशनल पार्क जिनका इंतजार कर रहा है। ये वो स्पेशल जेट आप सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर, ये रिपोर्ट, ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरा भारत इस तस्वीर का इस इंतजार कर रहा था, इस क्षण का इंतजार कर रहा था। ये वो एयरक्राफ्ट है, ये वो जेट है जिसमें वो 8 चीते हैं। ये गर्जना आप सुन सकते हैं, ये देखिए बहुत नजदीक से सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए आप वो देखिए चीते का आकार भी देख सकते हैं, चीते के रंग भरे गए हैं और इसी में वो 8 चीते हैं जो भारत लाए गए हैं नामीबिया से, 3 नर चीते और 5 मादा चीते जिन्हें अब ग्वालियर की सरजमी पर उतार दिया जाएगा। सबसे पहले टेरा एविया की ये स्पेशल जेट की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे अब भारत लाया गया है और ग्वालियर के इस एयरबेस पर अभी ने उतारा जाएगा और यहां से इनको स्पेशल जेट के जरिए कैसे कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। स्पेशल हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के होंगे और उसके जरिए ही इन्हें जो है अब यहां से सीधे कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 6 बजे का समय निर्धारित था क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया था कि मौसम में खराबी होगी, इसी के चलते अब ये यहाँ पर जो है लगभग 7:50 पर पहुंचे और यहाँ अब ये लैंड कर चुका है और इसके बाद अब आप सीधे देखेंगे तस्वीर के एयरफोर्स के जो स्पेशल हेलीकॉप्टर्स होंगे उनके जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाई है जिसका इंतजार हर एक भारतीय कर रहा था कि कैसे ये चीते नामीबिया से, और पहली बार हुआ है कि किसी एक बड़े एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर इस मांसाहारी जानवर को लाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी इको साइकिल को चलाने के लिए आप पढ़ते होंगे, आप जब क्लासेस में होते हैं 6-7 क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरीके से पूरी एक इको साइकिल को चलाने के लिए हर एक जीव का उतना ही योगदान इस धरती पर है, तो मांसाहारी जीव का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये कूनो नेशनल पार्क सीधे ले जाए जाएंगे यहां स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए और यहां से उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाकर 30 दिन एक क्वारंटीन में रखा जाएगा जहां पर उन्हें खाना दिया जाएगा, जहां पर उन्हें उस लायक बनाया जाएगा ताकि वो उस माहौल में रह सके, समझ सके। तो इसकी विशेष तैयारी कर ली गई है। अब इसके बाद एक और स्पेशल विमान है जिसका इंतजार किया जाएगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पीएम का जन्मदिन है। 2-3 इवेंट्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, दूसरा टाइगर का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, टाइगर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है, जानवर किस तरीके से यहाँ पर बुलाए जाते हैं, किस तरीके से उनको संरक्षित किया जाता है, आज कूनो नेशनल पार्क में वो चीते भी छोड़ दिए जाएंगे। तो चीते 70 साल से विलुप्त हो गए थे, पहले के राजा बड़ा शौक रखा करते थे कि कैसे उनका शिकार किया जाए और कैसे उन्हें अपने साथ ले जाया जाए, लेकिन ये तस्वीर आज की बड़ी महत्वपूर्ण है।